जब बड़े भाई बाबा अजीत सिंह जी को शहीद होता देखा तो 13 वर्षीय साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे अपने छोटे से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, पिताजी बेशक मेरी उम्र छोटी है पर आपका पुत्र होने के कारण और अमृत छकने के कारण मैं दुश्मन के किसी योद्धा से कम नहीं हूँ। आप मुझे आज्ञा तो दें, मैं युद्ध के मैदान से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन पन्नों को पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में बसे हर एक इंसान को झकझोड़ के रख दिया। हम बात कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के 17 साल और 13 साल के साहिबजादों की, जिन्होंने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। आनंदपुर साहिब के बिछोड़े के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी तथा कुछ सिखों के साथ लगातार मुगलों से बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। 4 दिन से उन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था, फिर भी उन सब ने हिम्मत ना हारी। कुछ दूर जाकर गुरु जी ने घोड़े से उतरकर जल पिया। फिर उन्हें किसी राहगीर ने बताया कि इसी तरफ से अभी अभी मुगलों की बहुत बड़ी सेना निकली है। इतना सुनकर गुरु जी ने चमकौर साहिब की तरफ अपना घोड़ा मोड़ लिया। थकावट के कारण गुरु जी ने एक बाग में अपना डेरा लगाया। उस समय गुरु जी के साथ उनके दोनों बड़े साहिबजादे और उनके 40 सिख थे। कहा जाता है कि तभी एक जख्मी सिख आया और उसने गुरु जी से कहा कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं, मुगलों की सेना इसी तरफ आ रही है। गुरु जी ये सुनकर चमकौर चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक कच्ची हवेली में शरण लेनी चाही, पर हवेली का मालिक टालमटोल करने लगा। गुरु जी ने तब उस चौधरी को कहा, तू अपनी हवेली देने में संकोच ना कर, एक दिन ऐसा आने वाला है जब इसी जगह लाखों करोड़ों लोगों ने अपना शीश झुकाना है। फिर वह चौधरी मान गया और सिखों ने अपना डेरा वहां लगा लिया। फिर वे लंगर पानी तैयार करने लगे। कहा जाता है तब गुरु जी ने सभी सिखों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि रात भर तुम सब चौकस रहना, अब नींद हमारी नसीब में नहीं है, अब तो अनंतपुर में ही हमारी नींद रह गई है। गुरुजी उस रात को अपने सिखों और साहिबजादों की ऐसी दशा देखकर बहुत उदास थे। फिर बड़े दुख के साथ वे कहने लगे, आप सबने अपना ये दुख मुझे दिखाना था और ये कष्ट हमें झेलना ही था। अनंतपुर साहिब में ठहरना ही हम सबके लिए ठीक था। हमें अफसोस है कि हमारे शूरवीर सिख हमें बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। वे तो खुद में इतने बलशाली थे कि मुगलों की फौज को कभी अनंतपुर साहिब के किले में घुसने ही नहीं देते। अनंतपुर साहिब तो सिखों का अपना घर था, अपने घर में हौसले भी बढ़ जाते हैं, पर अकाल पुरख की यही रजा थी, यही हुक्म था, किसी का क्या कसूर। कहते हैं तब गुरु जी कहते कहते चुप हो गए। फिर कुछ सिखों ने गुरु जी और साहिबजादों को आराम करने की विनती की और खुद हवेली पर पहरा देने लगे। शाही फौजे गुरु जी को ढूंढते ढूंढते चमकौर आ पहुंची। चमकौर को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। सैद खां, उस्मान खां और इस्माइल खां जैसे हाकिम वहां आ चुके थे। मार लो, पकड़ लो, ऐसी आवाजें सिखों को हवेली में सुनाई दे रही थी। अली अली के नारे लगा रहे थे। वे पठान लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ गुरु जी के सिख भी लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुगलों पर तीरों की बारिश कर दी। गुरु जी ने भी उन पर खूब तीर बरसाए। जैसे जैसे फौजी हवेली की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे सिख भी बहुत आक्रामक हो रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीखे तीर एक ही बार में 20-20 मुगलों को मौत के घाट उतारते चले गए। पहले पहर में ही सिखों ने मुगलों के हजारों सैनिक मार दिए, पर दुश्मन जान चुके थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सिख फौज गिनती में बहुत कम है, इसलिए दुश्मन हिम्मत जुटाकर अपनी फौज फिर आगे बढ़ाने लगे। गुरु जी के सिख अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। गुरु जी बड़े बड़े हाकिम और सेना के प्रमुख को लगातार मारते जा रहे थे।
हवेली के आगे पीछे दुश्मनों की हजारों लाशें बिछी पड़ी थी। अपनी सेना का बहुत बड़ा नुकसान होता देखकर नाहर खां भड़क गया और कहने लगा, मेरे जवानों आगे बढ़कर गुरु को जिंदा पकड़ लो। और साथ ही बोला, मैं खुद गुरु के साथ लड़ूंगा। गुरुजी ने खुद अपने जफरनामे में भी लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि नाहर खां बड़े जोश के साथ मैदान में आया तो मैंने पल में ही तीरों के साथ उसे खत्म कर दिया। जंग के मैदान में तीरों की बारिश होने लगी। जब सिखों की गोलियां और हथियार खत्म होने लगे तो कुछ सिखों ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि अब आप हमें आज्ञा दें ताकि हम दुश्मन के साथ आमने सामने होकर युद्ध कर सके, इन गीदड़ों को खत्म कर सके। इतना सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि तुम्हारा पिता गोविंद सिंह अपने खालसा पुत्रों को आज्ञा देता है, जाओ दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दो। तुम्हारी कुर्बानी इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। रहती दुनिया तक चमकौर में तुम्हारी यादगार अमर रहेगी। जाओ जाकर दुश्मन का नामो निशान मिटा दो। इसके बाद चमकौर में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि चमकौर की सारी धरती खून से लाल हो गई। मुगलों के साथ साथ गुरुजी के काफ़ी सारे सिख भी शहीद होने लगे। उस समय बाबा अजीत सिंह जी की उम्र केवल 17 वर्ष थी। साहिबजादा अजीत सिंह बड़े शूरवीर बलवान और अत्यंत शक्ति के मालिक थे। वे हर प्रकार के हथियार चला सकते थे। अनंतपुर साहिब में जितने भी युद्ध हुए थे बाबा अजीत सिंह जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कहते हैं तब गुरु गोबिंद सिंह जी 5-5 सिखों का जत्था बनाकर दुश्मन के साथ लड़ने के लिए बाहर भेज रहे थे। जब वो 5 सिख शहीद हो जाते थे तब वे और 5 सिखों को भेज दिया करते। इस दृश्य को देखकर बाबा अजीत सिंह का दिल भी तब बेकाबू हो गया। सिखों को शहीद होता देखकर उन्होंने अपने गुरु पिता से विनती की, पिताजी आप मुझ पर भी कृपा करो और युद्ध में जाने की आज्ञा दो। आपने मेरा नाम अजीत रखा है, मुझे कोई जीत नहीं सकता। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा अगर मैं आपके आदर्शों के लिए लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। गुरुजी अपने शूरवीर पुत्र की हिम्मत देखकर मना ना कर पाए और अपने पुत्र का आखिरी बार माथा चूमकर गले लगा लिया। गुरुजी ने अपने पुत्र को जंग में भेजकर साबित कर दिया कि माता गुजरी जी के पुत्र को लोगों के सिर मांगने का ही शौक नहीं, जरूरत पड़े तो कौम की खातिर वे अपने पुत्र का भी सिर दे सकते हैं। साहिबजादा अजीत सिंह अपने गुरु पिता भाई और साथी सिखों को फतेह बुलाकर रणभूमि में पहुंच गए। चढ़ती उम्र और उनकी जवानी को देखकर मुगलों के दिल दहल गए। मैदान में हाहाकार मच गई। साहिबजादा अजीत सिंह ने पहले तीरों की बारिश की, फिर दुश्मनों में भागदौड़ मचा दी। तीर खत्म होने पर उन्होंने हाथों में नेजे पकड़ लिए और दुश्मनों पर लगातार मारने लगे। साहिबजादे ने फिर तलवार पकड़ी और ऊंचे ऊंचे जयकारे लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े। जब गिनती के कुछ सिख लाखों दुश्मनों से लड़ रहे थे तो मुगल भी उन्हें देखकर थर थर कांपने लगे और कहने लगे, या अल्लाह ये कौन सी मिट्टी के बने हैं। उस समय हजारों मुगलों पर गुरु का एक सिख भी भारी पड़ रहा था। कोई भी मरने से डरता नहीं था, किसी को भी मौत का कोई भय नहीं था। साहिबजादे ने दुश्मनों के साथ बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी अपनी हवेली की छत से अपने पुत्र को लड़ता देखकर खुश हो रहे थे। अपने पुत्र को जख्मी हालत में जब उन्होंने देखा तो सोचने लगे कि बहुत चाव था तुम्हें युद्ध में लड़ता देखने का। मैं दुनिया का पहला ऐसा पिता हूँ जिसे ये खुशी नसीब हुई। लाखों दुश्मनों को खत्म करके साहिबजादे अजीत सिंह जी अंत में वीर गद्दी को प्राप्त हो गए। बाबा अजीत सिंह को धरती पर पड़ा देखकर सिखों की आंखों से आंसू बहने लगे, पर गुरु जी ने बड़ी सहजता के साथ सभी सिखों को धीरज बंधाया। गुरु जी अपने साहिबजादे की बहादुरी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सच्चे पातशाह प्रभु का धन्यवाद किया कि उनका बेटा धर्म की रक्षा खातिर कुर्बान हो गया।
बाबा जुझार सिंह जी अपने बड़े भाई को शहीद होता देखकर अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, पिताजी बेशक मेरी उम्र छोटी है पर आपका सुपुत्र होने के कारण और अमृत छकने के कारण मैं दुश्मनों के किसी भी योद्धा से कम नहीं हूँ। आप मुझे आज्ञा तो दें, मैं युद्ध के मैदान से कभी पीछे नहीं हटूंगा। दुश्मन को ललकार कर, लताड़ कर, शहीदी जाम पी कर अपने भाई के पास पहुंच जाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े गर्व और मान से अपने साहिबजादे को तब गोद में लिया, नई पोशाक पहनाई, फिर सिर पर कलगी सजाई और उसके हाथों में छोटी सी ढाल और एक तलवार थमा दी। अपने पुत्र को तैयार करके सुंदर दूल्हे की तरह सजाकर मौत रूपी दुल्हन के साथ शादी रचाने के लिए मैदाने जंग में भेज दिया। 13 साल के बालक को जंग में भेजते समय गुरु पिता सोच रहे थे कि पुत्र, हालातों ने तेरे जवान होने का इंतजार भी ना किया। इतिहास में दर्ज है, तब साहिबजादा जुझार सिंह जी ने युद्ध के मैदान में जाकर घोर युद्ध किया। छोटी छोटी बाजुओं में पता नहीं कहां से इतना बल आ गया कि जहां भी उनकी तलवार चलती थी वही शांति हो जाया करती। इस तरह जंग करते उन्हें कई पहर बीत गए। साहिबजादा को कहते हैं तब बड़ी जोर की प्यास लगी, उन्होंने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा कि 2 घूंट पानी पी लूं। तभी ऊंची जगह पर बैठे गुरु पिता ने कहा, तू गोबिंद सिंह का बेटा है, पीछे नहीं आगे बढ़। और कहा, बेटे मैदान में खून के दरिया बहते हैं, तुम्हें पानी नहीं मांगना, आगे बढ़ और शहीद हो जा। तेरा पानी तेरे भाई अजीत सिंह और तेरे दादा तेग बहादुर जी के पास है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, पुत्र मैं तुझसे सदके जाता हूँ, तूने दुश्मनों को दिखा दिया है कि तू किसका बेटा है। तब साहिबजादे जुझार सिंह जी ने दूर से ही पिता को शीश झुकाया और वापस मैदान में दुश्मनों को ललकारने लगे। तब इतना ज्यादा कत्लेआम किया कि अंधेरा छा गया, दुश्मनों की सेना में तबाही मच गई। इस तरह शूरवीरों की तरह जूझते हुए साहिबजादा जुझार सिंह जी भी शहादत का जाम पी गए और बड़े भाई अजीत सिंह जी के पास पहुंच गए। अपने पुत्र को शहीद होता देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और परमात्मा का शुक्र शुक्र किया। चारों तरफ शोक छा गया पर गुरु जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं था। हंसते हंसते हमारी खातिर दोनों साहिबजादों को कुर्बान कर दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।